एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का आंकलन कार्य पत्र एक डिस्कस करेंगे। एक चर में रेखीय समीकरण, पहला है एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन है, तो ये क्या है? इसमें हमारे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इक्वल के साइन है, तो ये किस में होते हैं? समीकरण और व्यंजन दोनों में। अब निम्नलिखित समीकरणों में से समीकरण एक चर में रेखीय समीकरण नहीं है। इसमें एक चर x है, इसमें भी एक चर t है, इसमें भी एक चर x है, पर इसमें एक्स वाई दो चर है, तो ये गलत होगा। अब दिए गए 2x प्लस 3y प्लस t इज इक्वल टू 7 समीकरण में चरों की कितनी संख्या है? तीन है, x, y और t। दिए गए समीकरण 9x इज इक्वल टू 7x प्लस 8 का x का मान लेंगे, तो 9x ये उधर प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 8। अब ये क्या होगा 2x, 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 4, x का मान 4 है। एक विशिष्ट अलग सा नंबर है, उसमें 6 निकालने पर क्रिकेट टीम बन जाती है, तो क्या लिया? नंबर x लेते हैं और उसमें से 6 घटाएंगे, तो क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं? 11 होते हैं, तो ये हमारा एक समीकरण बना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 6 को इधर लेंगे प्लस 6, 17, तो ये हमारा कौन सा नंबर है? 17। इसी तरह से अगले में 37 डिग्री और 53 डिग्री आएगा। अब आगे देखते हैं, एक विभोर की फैमिली है, उसके पापा, दीदी, दादी, बहन सब हैं। विभोर के पापा 44 वर्ष के हैं, विभोर की उम्र उसके पापा की एक चौथाई है, उसकी बहन की उम्र उससे 5 वर्ष कम है, उसकी दादी की उम्र विभोर तथा स्तुति के उम्र के योग में 5 गुनी है, उसकी मम्मी की उम्र उसकी उम्र से 3 गुना से 6 वर्ष अधिक है। अब विभोर की आयु एक चौथाई है उसके पिता की, तो क्या होगी? 11 वर्ष। अब उसकी बहन की आयु, उसकी बहन की आयु में से 11 में से 6 घटाएंगे, तो 11 में से 5 घटा के 6 वैल्यू है उसकी बहन की। अब उसकी दादी की आयु 11 प्लस 6 कितना होता है? 17, और कितनी ज्यादा है? 17 में 5 टाइम्स, तो 5 गुना 17 को करेंगे गुणा 5 से, तो 85 वर्ष की है उसकी दादी। अब माँ की आयु 3x है, 3x प्लस कितने? 6, तो 33 प्लस 6 39। तो यहाँ पे वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट असेसमेंट वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय।